राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए प्रस्तुत है बच्चों में राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम राष्ट्र और संस्कृति। राष्ट्र क्या है, बच्चों को समझाने के लिए उनके परिवेश से शुरुआत करनी होगी। जैसे हम सब घर में रहते हैं, घर में हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बहुत से संबंधी रहते हैं। कहीं कहीं केवल माता पिता और भाई बहन रहते हैं। कुछ छोटे परिवार होते हैं और कुछ बड़े परिवार होते हैं। जहाँ बहुत से परिवार रहते हैं उसे मोहल्ला कहते हैं। ऐसे बहुत से मोहल्लों से मिलकर शहर बनता है। जिन क्षेत्रों में खेती होती है वहाँ भी बहुत से परिवार रहते हैं और उनसे मिलकर बनता है गांव। बहुत से शहरों और गांव से मिलकर राज्य बनता है और राज्यों से मिलकर बनता है देश। तो हम जिस देश में रहते हैं वो है भारत देश। यानी देश में कई राज्य होते हैं, राज्य में कई शहर और कई गांव होते हैं, शहरों में कई मोहल्ले होते हैं और मोहल्लों में बहुत से परिवार रहते हैं। चाहे हम एक शहर में रहते हों या दूसरे में, एक गांव में रहते हों या दूसरे में, हैं तो हम सब भारतवासी। हम सबसे मिलकर ही तो हमारा भारत देश बना है। हमारा देश आजाद है, हमारा अपना झंडा है, अपना राष्ट्रीय गान है, हमारा अपना संविधान है। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानता हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, सबको समान अधिकार हैं। हमारे संविधान में 7 मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है। समानता का अधिकार, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात हमें विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। संवैधानिक स्वतंत्रता, अर्थात अपने अधिकारों के छीने जाने पर व्यक्ति न्याय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। और संपत्ति का अधिकार, अर्थात हर नागरिक को संपत्ति खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता है। ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं। पर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी जुड़े हैं, उन्हें मूलभूत कर्तव्य कहते हैं। हम सब भारतवासी संविधान को मानने के लिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को सम्मान देने के लिए बाध्य हैं। हमें भारत की एकता और प्रभुसत्ता की रक्षा करनी चाहिए और उसके लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपनी सेवाएं अर्पित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। परस्पर भाईचारे की भावना का प्रसार, धर्म, भाषा, प्रदेश के भेदभाव को दूर करना, संस्कृति की रक्षा, प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, ये सभी हमारे
मूलभूत कर्तव्य हैं। यहाँ बच्चों को बताया जाए कि जैसे परिवार में सब बच्चे समान होते हैं, पिताजी सबका बराबर ध्यान रखते हैं, माँ सबको प्यार करती है, सबकी देखभाल करती है, उसी तरह हमारी सरकार हम सबका ध्यान रखने के लिए वचनबद्ध है। शिक्षा, चिकित्सा, यातायात के साधन, बिजली, पानी, डॉक्टर व्यवस्था, ये सभी सुविधाएं सरकार हमें देती है। इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम सरकार द्वारा बनाए कानून का पालन करें, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं और देश की उन्नति के लिए प्रयास करें और एक अच्छे नागरिक बनें। भारत एक विशाल देश है, उसमें अनेक प्रदेश हैं जहां लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। सब भाषाएं भारतीय भाषाएं कहलाती हैं। जैसे एक पेड़ की बहुत सी शाखाएं होती हैं, पर उनकी जड़ एक ही होती है, उसी तरह हम सब अलग अलग प्रदेशों में रहते हुए भी, अलग अलग भाषाएं बोलते हुए भी एक ही देश के नागरिक हैं। हम सब भारतवासी एक ही सूत्र में बंधे हैं और हमारी यही एकता हमारा बल है। यहाँ चिड़िया और बहेलिए वाली कहानी बच्चों को सुनाई जा सकती है। अगर आपको ध्यान में ना हो तो मैं ही सुना दूँ आपको वो कहानी। एक बार एक बहेलिए ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया और उस पर दाने डाल दिए। आकाश में उड़ती हुई चिड़ियों ने जब दानों को देखा तो वे उन पर टूट पड़ी। लेकिन जैसे ही वे दाना खाने के लिए बैठी, उनके पंजे जाल में फंस गए। अब वे सोचने लगी कि इस जाल से कैसे मुक्त हुआ जाए। तब उनमें से एक अनुभवी चिड़िया ने कहा, हमारे पंजे ही तो फंसे हैं, पंख तो मुक्त हैं। यदि हम सब मिलकर उड़ें तो इस जाल समेत उड़ पाएंगे और फिर अपने मित्र चूहे के पास जाकर ये जाल कटवा देंगे। चिड़ियों ने ऐसा ही किया। वे सब मिलकर जाल को उड़ाकर अपने मित्र चूहे के पास ले गईं। चूहे ने अपने तेज दांतों से उस जाल को काटकर चिड़ियों को मुक्त कर दिया। साथ मिलकर काम करने से वे सब इस मुसीबत से छूट गईं। और यही एकता है। ठीक इसी तरह हम भी मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है। संस्कृति हमारा दर्पण है। ये बात बच्चों को उदाहरण द्वारा समझाई जा सकती है। जब हम किसी दूसरे के घर जाते हैं तो वहाँ जैसा व्यवहार करते हैं, जिस तरह बातचीत करते हैं, उससे हमारे परिवार का परिचय मिलता है। ठीक इसी तरह हमारे विचार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे त्यौहार, हमारे रीति रिवाज, हमारे देश और संस्कृति की पहचान कराते हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सारी पृथ्वी हमारा घर है और पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग एक कुटुंब के सदस्य हैं। एक दूसरे के प्रति ममता, प्यार, सहानुभूति हमारी संस्कृति की विशेषता है। यही संस्कृति अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधे रखती है और हम सबको एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करती है। हमें गर्व है कि हम सब
भारतवासी हैं। हम किसी भी प्रदेश के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, कोई भी धर्म मानते हों, पर हम सब एक ही झंडे के नीचे एक ही राष्ट्रीय गान गाते हैं। सभी राष्ट्रीय पर्व मिलकर मनाते हैं। हमारा झंडा, हमारा राष्ट्रगान, हमारे राष्ट्रीय त्योहार, ये सब हमारी राष्ट्रीय पहचान है। अभी आप राष्ट्रीय पहचान श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सुन रहे थे राष्ट्र और संस्कृति। डॉक्टर शशि शर्मा द्वारा लिखित इस आलेख की वाचिका थी दीप्ति शंकर सेन। विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वनि दीपक पांडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम, प्रस्तुतकर्ता अजीत गुप्ता और परियोजना निर्देशन डॉक्टर एलजी सुमित्रा।